अभी हम लोग के हाथ में मिठाई का डब्बा है और डब्बा इसलिए है क्योंकि क्लास ओवर हो चुका है। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि ये क्लास में गमछी लेके क्यों गए हुए हैं। आप इस बेंच का नजारा देख सकते हैं, ये देखिए इस बेंच पर कितने ज्यादा डस्ट पड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है राजेंद्र महाविद्यालय का मेन गेट और आज हम इसी कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं और इसके बारे में पूरा वीडियो देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आज इस कॉलेज का पूरा फुल वीडियो दिखाऊंगा और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें किस किस फैकल्टी के पढ़ाई होते हैं और सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा जरूर और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो चलिए हम अब राजेंद्र कॉलेज के मेन गेट से होते हुए राजेंद्र कॉलेज का जो मेन गेट है जहाँ से प्रवेश करते हैं उस गेट के पास चलते हैं और वहाँ से हम चलते हैं राजेंद्र महाविद्यालय के अंदर। और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं राजेंद्र कॉलेज की स्थापना 1938 में किया गया था और अब हम चलते हैं इसके अंदर। और जैसे ही हम इसके अंदर चलते हैं यहाँ से हमें राजेंद्र कॉलेज के जाने का दो रास्ते आपको सामने दिख रहे हैं। जैसे कि आप लोग एक देख सकते हैं कि एक लेफ्ट हैंड में गया है और एक दूसरा राइट में गया है। ये दोनों रास्ते कॉलेज के अंदर ही जाते हैं बट अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, अलग अलग विभाग में जाते हैं। फिलहाल अभी हम राइट रोड लेकर चलते हैं अदर डिपार्टमेंट की ओर, जैसे कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। और सामने आप देख सकते हैं कि ये है आपका BCA स्टडी सेंटर और साथ में उसके बगल में देखिए तो लैब है, इसमें BCA की भी पढ़ाई होती है। और जो सामने आपको मेन गेट दिख रहा है वो है राजेंद्र कॉलेज ग्राउंड में जाने का रास्ता, हम उधर भी चलेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आपका हिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर, जिधर आपका हिस्ट्री डिपार्टमेंट और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है। जिधर आपका अगर आप राजेंद्र कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट या ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से PG कर रहे हैं तो जिस रास्ते के होते हुए हम आ रहे हैं उसी रास्ते के आपको होते हुए भी आना पड़ेगा। और आप देखिएगा तो इधर ही आपका हिस्ट्री डिपार्टमेंट और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपको सामने दिख गया। और ये है क्लासरूम का नज़ारा जहाँ आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें लगाए गए हैं बच्चों के द्वारा जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चे थे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस छत की हालत क्या हो रखी है और ये छत कभी भी टूट के गिर सकता है। और ये अभी हम बता रहे हैं आपको, हम अभी दो स्टूडेंट हैं PG के सेकेंड सेमेस्टर में, अभी दो स्टूडेंट आए हुए हैं। ये देखिए हमारे पीछे अंकित कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ये सेकेंड सेमेस्टर में बहुत कम लड़के आए हुए हैं। और अभी हम क्लास कर रहे थे लेकिन बट हमारा क्लास ओवर हुआ है तो सोचे कि आप लोगों को कुछ दिखाएँ, तो अभी दिखा रहे हैं कि क्लास रूम का नज़ारा क्या है। और जैसे कि हमने और जगह के नज़ारे दिखाए हैं तो और भी कोशिश करते हैं आपको हम दिखाने की। तो सोचिए आप गेस कर लीजिएगा कि हर क्लासरूम यही है, जैसा कि ये क्लासरूम है वैसा ही हर क्लासरूम का नज़ारा मिलेगा क्योंकि सब में अभी डस्ट पड़े हुए हैं। तो अभी हम अंकित जी से कुछ पूछ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर के हम लोग स्टूडेंट हैं, तो इनसे पूछ रहे हैं कि आप राजेंद्र कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं, आपको क्या लगता है इस राजेंद्र कॉलेज के बारे में, क्या ओपिनियन है आप हमें थोड़ा बताइएगा। यहाँ हमको सुविधा तो मिलती है इसमें देखिए, और बच्चे की ना आने की कमी से टीचरों में नाराज़गी रहती है। टीचर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं है या व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था भी है और टीचर भी अवेलेबल है, पर यहाँ पे स्टूडेंट के नहीं आने के कारण इनका कहने का मतलब टीचर लोग सब बने रहते हैं। और टीचर लोग की नाराजगी है कि बच्चे नहीं आ पाते हैं और जाहिर सी बात है सकते हैं। और आप देख सकते हैं PG सेमेस्टर सेकंड में है और मात्र हम और ये विकास भाई है, बस दो आदमी हम लोग आए हुए हैं क्लास करने के लिए, अभी सर आए हुए थे। आप इस बेंच का नज़ारा देख सकते हैं, ये देखिए इस बेंच पर कितने ज़्यादा डस्ट पड़ा हुआ है। तो आप इसे सोच के आप सोच सकते हैं कि इसमें बच्चे कितना ज़्यादा आते हैं पढ़ने के लिए, आपको देखिएगा। और इधर की जो व्यवस्था है काफ़ी बुरी व्यवस्था है और काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ा हुआ है। ये हमारा नोटिफिकेशन बोर्ड है तो ये देखिए इस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ा हुआ है। और ये यहाँ की क्लासरूम का नज़ारा है,
जो काफ़ी ज़्यादा कचरा है, बच्चे आते नहीं हैं और इसको कोई साफ सफाई नहीं होता है। ये काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ व्यवस्था है यहाँ पे और क्लासरूम की तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा पुअर है। तो अब आप लोग के लिए खुशखबरी है कि इस राजेंद्र कॉलेज को फिर से रेनोवेट किया जा रहा है, मतलब मरम्मत किया जा रहा है। पुराने बिल्डिंगों को तोड़ के काफ़ी ज़्यादा पुराने बिल्डिंगें हैं जो काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है, उसको फिर से तोड़ कर नया बनाया, गिर जाए इसकी कोई गारंटी, तोड़ कर फिर से नया बनाया जा रहा है। और इसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट और UGC की कुछ पैसा आया हुआ है और भी हम आपको दिखा रहे हैं, डिपार्टमेंट और दिखाएंगे, ब्लॉक और क्लास दिखाएंगे, आप लोग बने रहिएगा, अभी आप लोग बने रहिएगा। और भी हम आपको लिया चल रहे हैं, दिखा रहे हैं आपका डिपार्टमेंट, तो आप लोग बने रहिएगा प्लीज, कहीं जाइएगा मत। और चलिए अब हम चलते हैं राजेंद्र कॉलेज के अंदर और वहाँ का नज़ारा और दिखाते हैं हम आपको। और अब हम चलते हैं परीक्षा डिपार्टमेंट की ओर, जो कि आपका राजेंद्र कॉलेज में जो भी एग्ज़ाम इंटरनल और एक्सटर्नल लिए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि इसी बिल्डिंग में लिए जाते हैं, जो नए बनाए गए हैं इसी बिल्डिंग में आपका राजेंद्र कॉलेज के जो भी एग्ज़ाम होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इसी बिल्डिंग में लिए जाते हैं। और यह है इक्विपमेंट, जब कॉलेज बनाया गया था उसी समय इसको भी बनाया गया था, इससे पानी निकालने का काम किया जाता था और इसके अंदर देखिएगा तो कुआं है, तो इससे पानी निकाला जाता था। और अब हम चलते हैं राजेंद्र कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर, जहाँ पे बहुत सारे पुस्तक रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन लाइब्रेरी में बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम बच्चे जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। तो फिलहाल हम चलते हैं लाइब्रेरी की ओर, और ये है राजेंद्र कॉलेज का लाइब्रेरी, पंडित रामावतार शर्मा पुस्तकालय। तो अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको लाइब्रेरी आना पड़ेगा और वहाँ से आपको एक 30 रुपया देकर कार्ड लेना पड़ेगा, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि हमने एक 30 रुपया पे करके हम और एक हमारे दोस्त कार्ड ले लिए हैं और उसको फिल कर रहे हैं। और ये हमारे साथ दूसरे साथी हैं, क्योंकि ये वीडियो जो बना है आपका 2-3 दिन में बना है, तो ये हमारे मित्र हैं जो फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो फिलहाल हम फटाफट इस फॉर्म को फिल करते हैं और चलते हैं अंदर। तो ये है लाइब्रेरी का नज़ारा, लाइब्रेरी देखिए कितना खूबसूरत है, लाइटें हैं, पंखे लगा हुआ, काफ़ी शांत है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और लाइब्रेरी की टाइमिंग है आपका 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, आप आइए, कोई आप बाहर से बुक लेकर नहीं आ सकते हैं। और यहीं में से इसी में से बुक लेना है और इसी में आपको पढ़कर इसी अलमीरा में धर देना है आपका, इस अलमीरा में आप इंटर में हैं, ग्रेजुएशन में हैं या PG में हैं, आकर आपका हर एक प्रकार का बुक है इसमें पढ़ सकते हैं और पढ़कर फिर अलमीरा में रख सकते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत है। और अब हम आपको उस जगह को दिखाने के लिए चल रहे हैं जिस जगह पे जब आप 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स भर कर जहाँ जमा करते हैं यानी सबमिट करते हैं, उस जगह पर हम आपको दिखाने के लिए चल रहे हैं। और आप देखिएगा कि वहाँ पर अभी बता दें आपको कि अभी हाल ही फिलहाल में 10th का रिजल्ट आया है और 11th क्लास में एडमिशन हुआ है, तो सारे बच्चे अभी एडमिशन फॉर्म जमा कर रहे हैं, जहाँ पे साइंस आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के बच्चे होंगे। और वहाँ पर आप देखिएगा कि बच्चे जमा कर रहे हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहे हैं, यहाँ पे आपका सारा फॉर्म जमा होता है 11th क्लास में जब आप एडमिशन लेते हैं। तो मैंने आपको उस जगह को दिखाया जहाँ पे आप 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं, सारा फॉर्म को सबमिट करते हैं। आप कॉलेज के पीछे वाले रास्ता है ये लास्ट रास्ता। और अब हम चलते हैं फिर से राजेंद्र कॉलेज के अंदर और वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। ये देखिए अभी हम लोगों के हाथ में मिठाई का डब्बा है, और डब्बा इसलिए है क्योंकि आज हमारे जो पहले HOD थे उनका आज रिजाइन कर दिए हैं और उनके जगह पर कोई दूसरा चले गए हैं सर, तो उन्हीं के खुशी में हम लोग के राजेंद्र कॉलेज में आज मिठाई मिला है। हम लोग सिर्फ दो है स्टूडेंट ही हैं, और हम लोग के डिपार्टमेंट कोई आया नहीं था, सिर्फ हम ही लोग थे, तो इसीलिए हम लोग को मिला। और ये राजीव का भी मिला है, क्योंकि आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो HOD चेंज होने पर हम लोग को मिठाई मिला हुआ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि माननीय हमारे HOD सर जो वर्मा सर हैं अपने हाथ से हम लोग को मिठाई सुपुर्द किए, और वर्मा सर को हम लोग दिल से धन्यवाद, वर्मा सर को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, वही हमारे HOD हुए, पदभार संभाले और उन्हीं के खुशी में हम लोगों को सर मिठाई बांटे। और ओके, राजेंद्र कॉलेज के कितना दिखाया, बहुत बार राजेंद्र कॉलेज है, फिर अभी दिखाएंगे अपने राजेंद्र कॉलेज के। अभी तो फिलहाल बैकग्राउंड का नज़ारा देखिए, अभी हम लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और इस मिठाई को खाने के लिए, अभी राजेंद्र कॉलेज बहुत घूमना है अभी बाकी, आप लोग हम दिखाएंगे, बने रहिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।
और क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं तो सेल्फी लेके जाते हैं, लेकिन हम लोग की तो एडमिशन इसी कॉलेज में है पीजी में, तो हम आपको दिखाएंगे और भी, आप लोग बने रहिए। तब तक फिलहाल हम लोग मिठाई खाते हैं और देखते हैं इस मिठाई में क्या क्या है। खोलना क्या है? और ये देखिए डब्बे में क्या था, एक लिट्टी है, एक नमकीन है और दो स्वीट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। आप लोग को पता है कि बिहार का यही है, देखिए बिहार में काफ़ी लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है, बट यहाँ पे चोखा नहीं है, ये लिट्टी ही है और ये स्वीट्स हैं, तो हम लोग इसको खा रहे हैं। लिट्टी खाते हैं हम लोग नमकीन। ये राजीव कुमार खा रहा है। कॉलेज में ज़्यादा बच्चे नहीं आए लोग, हम लोग डिपार्टमेंट में सिर्फ फॉर्म और ये थे, इसलिए हम लोग को दो मिला। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ राजेंद्र कॉलेज का एकमात्र धरोहर गुंबद, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। इसके लिए राजेंद्र कॉलेज काफ़ी जाना जाता है और इस गुंबद को आप लोग सही ढंग से देखिएगा, क्योंकि इसमें आप देखिएगा तो घड़ी लगा हुआ है, इसके चारों दिशा में घड़ी लगा हुआ है और घड़ी अभी फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है। और इस घड़ी की खासियत मैं आपको बता दूँ कि ये घड़ी आपका बिना बैटरी के चलता था, इसमें कोई बैटरी और इलेक्ट्रिक से नहीं चलता था। और इसको चलाने के लिए इसके अंदर एक बहुत बड़ा बेल लगाया गया है, यानी घंटा लगाया गया है, वो जब घंटा चलता था तो उसी से ये आपका घड़ी चलता था, लेकिन फिलहाल वो घंटा बंद हो गया है और ये घड़ी बंद पड़ी हुई है। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, ये जब चलता था तो छपरा में बहुत आवाज़ करता था घंटा, तो इस गुंबद की यही कहानी है और इस घड़ी की यही कहानी है, बिना बैटरी के ये चलता था घड़ी। और हम आपको दिखाते हैं इसके पीछे का नज़ारा, देखिए इसके अंदर एक लोहा की स्टेयर बनाई गई, यानी सीढ़ी बनाई गई है इस पर चढ़ने के लिए, तो ये कॉलेज के अंदर का नज़ारा है। और मैं आपको अब कॉलेज के अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, अब देखिएगा ये सामने जितने भी आपको बिल्डिंग दिख रहा है, ये इसमें टीचर लोग का बैठने की जगह है और इसी में सर लोग बैठ के वेरीफाई करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, इसी के अंदर हमारे इस स्कूल के प्राचार्य साहब रहते हैं और जितने भी टीचर हैं उनका रूम है इसी हॉल के अंदर, तो आप सामने देख सकते हैं। और कुछ बच्चे वेरीफाई करवा के आ रहे हैं, सर लोग इसी में बैठ के वेरीफाई करते हैं। और ये है राजेंद्र उद्यान और इसी के अंदर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्टैचू लगाई गई है, मूर्ति लगाई गई है। और ये देखिए कुछ लीडर की अच्छे अच्छे बात स्लोगन लिखे गए हैं इसके चारों ओर, देखिएगा ये जो राजेंद्र प्रसाद का जो स्टैचू लगाया गया है और उनको चारों ओर से कवर किया गया है, तो उन्हीं के कवर मेन गेट पे आप देखिएगा तो कुछ कुछ अच्छे अच्छे कोटेशन लिखे गए हैं। तो ये था आपका राजेंद्र कॉलेज का पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया। तो दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो आपके इस कॉलेज के बारे में क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो कॉलेज में चल रहा था मैंने आपको वो चीज़ दिखाया, तो आपको हर चीज़ दिखाया, कितना दूर था वो हर चीज़ दिखाया, तो आप लोग की ओपिनियन क्या है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।